What's good on guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to the video of Roblox and guys, आज हम लोग खेल रहे हैं एक और नया Roblox का Monster Morph Backroom. और guys, इसमें हम लोगों को अलग-अलग monsters ढूंढने हैं. जैसे पहला monster तो यही मिल गया. चौप ये देख भाई. Okay, भाई कौन सा monster मिला है bro आपको? अरे मेरे को Spark नाम का monster मिल गया bro. क्या ही बताऊँ? और लगता है इधर एक और है. ओ, इसका नाम Jack है. Okay, तो Spark और Jack दो टाइप के monsters मिल चुके हैं guys. अगर हम लोग चाहे तो इनमें morph भी कर सकते हैं बहुत ही इजिली. और ये देखो भाई, मैं Spark monster बन गया हूँ. ओ माई गॉड, ये तो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा है दोस्तों. तो ऐसे ही जो भी मॉन्स्टर अपन लोग पकड़े, हम लोग उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आप को. एंड हमारा गोल है यहाँ पर इस वीडियो के खत्म होने के पहले कि जितना चाहे उतना एकदम जबरदस्त लेजेंडरी वाले सारे मॉन्स्टर्स हम लोग यहाँ पर ढूंढने वाले हैं और देखते हैं कि उनको ढूंढने में कितना टाइम लगता है दोस्तों. ऑलराइट, लेट्स गो भाई, आगे चलते हैं अगले सफर पर. तो अगला मॉन्स्टर कहाँ हो सकता है गाइस? यूजुअली ये जितने भी मॉन्स्टर्स है ना, ये आगे पीछे ऊपर नीचे कबर्ड्स के पीछे छुपे रहते हैं. तो भाई मैं तो बोलता हूँ मेरे को फॉलो करो, मैं सारे मॉन्स्टर्स बता दूंगा ब्रो. अरे तेरे को फॉलो करूंगा भाई, तो पता चला एक भी मॉन्स्टर हाथ में नहीं आएगा. ये देखो भाई, ये भी एक मॉन्स्टर है लेकिन ये उतना ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है दोस्तों. ऊपर से ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है? ओ, इसको लेने से अपन लोग एक मॉर्फ रिवील कर सकते हैं. ओके, 75 रोबक्स का है. आई थिंक ले लेते हैं गाइस. इसको लेने से ना भाई अपने को मॉन्स्टर का लोकेशन पता चल जाएगा. ऑलराइट, तो इसको खरीदने के बाद आप लोग देख सकते हो मेरे को लोकेशन दिख रही है. फॉक्ट भाई, तो जाओ लोकेशन का पीछा करो, मॉन्स्टर का पता लगाओ. यहाँ क्यों खड़े हो भाई? अरे मिल गया भाई, स्लेंडर स्लीक नाम का मॉन्स्टर है. स्लेंडर सीक नाम है एक्चुअली इसका. तो ये तो मेरे को लगता है स्लेंडर मैन का कोई जुड़वा भाई है जो बेचारा उससे मिल नहीं पाया और बहुत ज्यादा दुख हुआ भाई इसका कहानी सुन के. लेकिन इसमें मॉर्फ तो करो मेरे को. ऑलराइट, ये एक रेयर कैटेगरी का मॉन्स्टर है गाइस. तो ये जो रेयरिटी है ना, ये थोड़ी ज्यादा बेटर मिली है. लेकिन इसको ढूंढने के लिए मेरे को 75 रूबक्स फेंकने की जरूरत थी नहीं. वैसे भी मैं उस एरिया में जाता ही और मेरे को पता चल जाता गाइस, तो एक तरह से हम लोगों ने 75 रूबक्स बर्बाद कर दिए. बट डोंट वरी, शायद इसका हम लोग बेटर यूज आगे चल के कर पाए. फॉक्ट भाई, यहाँ पे तो सांता क्लॉस की टोपी भी है ब्रो. अरे सांता क्लॉस की टोपी तो हमेशा ही रहेगी. ये देख, मेरे को एक नया मॉर्फ मिला है ब्रो. फॉक्ट भाई, ये क्या मिल गया आपको? स्मर्क नाम का मॉर्फ. नाइस भाई, ये देखो यहाँ पे भी एक मॉर्फ है ब्रो. ओ, ये देखो भाई, बहुत शातिर लोग है ये. नीचे छुपा के रखा है भाई. चेंड फिगर नाम है गाइस इस मॉर्फ का. और इसको जल्दी से मेरे को एक्चुअली कन्वर्ट करके देखने दो ये दिखता कैसा है. ये रेयर क्वालिटी का मॉर्फ है, तो जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी है दोस्तों. देखने में भी उतना ही ज्यादा डरावना लग रहा है. चेन जो है वो नॉन स्टॉप इसके अंदर से बाहर आ रही है और इसका मुंह में तो भाई ऐसा लगता है 1000 दांत भर दिए भाई. एनीवेज गाइस, इससे तो डेफिनेटली मैं कभी भी पंगा नहीं लेना चाहूंगा इन अपकमिंग फ्यूचर. और अपन लोग इसको इग्नोर करते हुए थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. इस रूम का साइज तो काफी बड़ा है और यहाँ पर काफी सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर मॉर्फ छुपे हो सकते हैं. तो अपने को यार अपनी नजरें खोल के देखनी पड़ेंगी. ये देखो, कर्ज रश नाम का मेरे को एक और मॉन्स्टर मिल गया. लेट्स गो भाई, अब तो ये एकदम नॉर्मल हो चुका है भाई अपने लिए. जिधर देखते उधर ही एक मॉन्स्टर मिल जाता है. चॉप, तेरे को कुछ मिला क्या? भाई यहाँ पे तो बहुत सारे मॉन्स्टर है भाई. ओके, एक नया मॉन्स्टर है लेकिन इसको एक्टिवेट कैसे करूं मैं? ओके, मेरे को ऑप्शन अब आया. टॉक्सिक ग्लिच नाम है इस मॉन्स्टर का गाइज. तो टॉक्सिक ग्लिच भैया जी भी रेयर क्वालिटी के ब्रॉन्स्टर है. ब्रॉन्स्टर आई मीन मॉन्स्टर है गाइज. और ये तो देखने में ऐसा लग रहा है भाई कि कंप्यूटर में कुछ ग्लिच विच आ गया वैसा एकदम इसका पूरा बॉडी का डिजाइन है. लेकिन हमें क्या है भाई, अपने को बस कूल मॉन्स्टर ढूंढने हैं. ये काफी ज्यादा कूल है. 10 में से 9 नंबर दूंगा भाई इसकी कूलनेस पे. तो भाई अपने आप को रीसेट करो भाई, आगे जाना है तो. अरे हाँ, मेरे को पता है ब्रो, यहाँ पर भी कुछ है गाइज. ओ, गैलेक्सी आई नाम का एक मॉन्स्टर मिला है. अरे भैया जी, इसका तो लेजेंडरी ग्रेड का मॉन्स्टर है भाई. ये जरा देखना गाइज. अरे भाई, ये एक आंख का इतना वैल्यू, इसको लेजेंडरी ग्रेड का मॉन्स्टर बुलाया गया है. वाह भाई, सही है ब्रोज. तो अपन लोग इससे डेफिनेटली इधर उधर जा सकते हैं और अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं. लेकिन मेरे को ज्यादा कूल वो ग्लिच वाला मॉन्स्टर लगा. एक और मॉन्स्टर मिल गया गाइस. स्पूकी नाम है इसका. और स्पूकी जो है आई थिंक वो नॉर्मल ग्रेड का ही मॉन्स्टर है. तो मेरे को तो मेरा वो वाला मॉन्स्टर बनने दो भाई, टॉक्सिक ग्लिच. ये देखो भाई, एक तो हाइट भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना भाई इसको बनने के बाद, क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को. फॉक्ट भाई, अरे आगे जाओ भाई, लावा वाला मॉन्स्टर मिलेगा आपको. ओ, तो तू लावा मॉन्स्टर बना हुआ है. ऑलराइट, ये तो एकदम डिस्को लाइट जैसा लग रहा है भाई. फॉक्ट भाई, एक ब्लू कलर का मॉन्स्टर भी, उसको ले लोगे भाई तो एकदम ऑरेंज और ब्लू करके डिस्को बना देंगे ब्रो अपना. अरे चांदनी बार थोड़ी बनाना है भाई यहाँ पे. ओ, तो ये ब्लू वाला मॉन्स्टर शेड है गाइज, तो इसको ले सकते हैं. तो देख सकते हो ये बंदा शेड बना हुआ है. चॉप जो है वो ये लावा शेड बना हुआ है. एंड अगर हम लोग यहाँ पर लावा शेड बन जाए, वेट अ सेकंड, पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा है कहाँ पर ये लावा शेड. आई थिंक ये जो मॉन्स्टर है गाइज, ये कॉमन नहीं, ये भी रेयर कैटेगरी का मॉन्स्टर है. ओ, ये देखो भाई, लावा वाले मॉन्स्टर बन गए हैं अपन लोग. ओ माय गॉड, इसका डिस्को लाइट तो बड़ा मजेदार है यार. फॉक्ट भाई, बोला था ना मैंने बहुत मजा आएगा आपको इस मॉन्स्टर के साथ. अरे थैंक यू दोस्तों, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या ही होता. वैसे बोल तो ऐसे रहा है भाई जैसे इसकी मदद के बिना अपन लोग ढूंढ ही नहीं पाते. लिटरली एकदम सामने में ही तो मॉन्स्टर था भाई. और अब गाइज अपने को जाना चाहिए अगले रूम में, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे रूम है तो डेफिनेटली और मॉन्स्टर्स भी अपने को जरूर देखने को मिलेंगे. और हमारे नॉर्मल साइज में गाइज हमें जो ढूंढना मॉन्स्टर को काफी आसान हो जाता है. ये देखो, एक और मॉन्स्टर मिला भाई. यहाँ पर
कोने में है, इसका नाम साइट है। ये तो पक्का कॉमन है भाई, 100% ये कॉमन मॉन्स्टर होगा। रुको मैं चेक कर लेता हूँ। एंड यप, देखा मैंने बोला था ना कॉमन मॉन्स्टर है ये। ऐसे भाई अब तो अपन लोग इतने प्रो हो गए, मॉन्स्टर ड्रेक के बताए थे भाई कि ये रेयर है कि कॉमन है। ये रेड ग्लिच ये थोड़ा रेयर होगा भाई, देखना पक्का। और एकदम सही निशाना निकला, ये टॉक्सिक ग्लिच के जस्ट बगल में है गाइज। और ये रहा ग्लिच फिगर, वेल ये रेयर हो सकता है भाई, क्योंकि ऐसे मॉन्स्टर्स भाई कॉमन कैटेगरी में तो सूट नहीं करते बिल्कुल भी। एंड गाइज हमारा गेस बिल्कुल सही था, ये एकदम रेयर निकला। ओ भाई इसमें तो पूरा ही ग्लिच कर चुका है भाई स्क्रीन। फक्ट भाई स्क्रीन छोड़ो, ये पूरा मॉन्स्टर ग्लिच मार चुका है भाई। गाइज अपन लोग जैसे जैसे आगे एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, हम लोगों को मेक श्योर करना चाहिए कि अपन लोग इस लैंटर्न वगैरह के ऊपर भी चेक करते रहे, क्योंकि जो लेजेंडरी ग्रेड के मॉन्स्टर्स है ना उनको बहुत ही अच्छे तरीके से छुपाया जाता है। एंड मेक श्योर कि आप उनको कुछ भी करके ढूंढ ना पाओ, तो या अपन लोग को उस चीज का ध्यान रखना है। और ये देखो एक और मॉन्स्टर मिल गया, इसका नाम है बाइट्स। तो भाई आई अज्यूम कि ये बाइट करता होगा। और सैमुराई फिगर, ओ भाई 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 इस टाइप के तो बहुत मॉन्स्टर आ गए भाई। ये सैमुराई फिगर और ये जो बाइट है ये दोनों ही रेयर ब्रीड के मॉन्स्टर है गाइस। वैसे ये बाइट जो है ये काफी कूल है यार। ऐसा पता है मैंने डिस्को लाइट देखी है भाई, एक पूरे के पूरे बार के अंदर। वेल गाइस ये तो डेफिनेटली डिस्को लाइट नहीं, इसके सामने जाओगे तो भाई नाचने मत लगना, नहीं तो आपको खा जाएगा भाई। तो भाई देखो यार अपने को भाई मॉन्स्टर ढूंढना है भाई, आप मॉन्स्टर बन के मजे ले रहे हो जिंदगी के। अबे वो छोड़, मेरे को अटैकिंग डेप्थ मिल गया भाई। एक और मॉन्स्टर है रश्ड रश। अबे कैसे कैसे नाम है इन लोगों के, रश्ड रश क्या नाम होता है भाई, हड़बड़ी में गड़बड़ी वाला नाम रख दिया इन लोगों का। एनीवेज देखते हैं और कौन कौन से ब्रीड के। ओके तो ये अटैकिंग डेप्थ ये रेयर क्वालिटी का मॉन्स्टर है, जो की एक अच्छी बात है। और ये रहा करप्ट साइट, ये पक्का कॉमन क्वालिटी का मॉन्स्टर होगा, इसको तो मैं देखूंगा भी नहीं। ओके एक और कुछ तो मिला इधर से मेरे को। ए भाई नाम नहीं बताया यार, इतनी तेजी से आया मेरे को दिखाई नहीं गाइस क्या मिला, लेकिन हाँ कुछ ग्रीन कलर का था। और ये क्या एश फिगर, रुको इसको चेक करते गाइस, ये कौन सा मॉन्स्टर है भाई। ओ माय गॉड भाई, लेजेंडरी के ऊपर में अगर कोई ग्रेड है तो वो है मिथिकल। एंड मिथिकल में सिर्फ दो मॉन्स्टर है गाइस, उनमें से एक ये बंदा है। अरे भाई इतना भाई लकी कैसे हो गए यार अपन लोग। फर्स्ट भाई ये तो अल्ट्रा लेजेंडरी आइटम हो गया भाई, पूरे गेम में ऐसे सिर्फ और सिर्फ दो मॉन्स्टर है ब्रो। अरे जानता हूँ ब्रो, इसीलिए तो मैंने ढूंढा है, देख रहे हो मेरे नजरों से कुछ नहीं बच पाता है दोस्तों। ओके मेरे को आईज मिल चुकी है, इन आईज का मैं क्या करूंगा भाई, ये तो मेरे को कॉमन ग्रेड के लग रहे हैं। ये देखो भाई ये कॉमन ग्रेड के मॉन्स्टर है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं और कुछ मिलता है कि नहीं। तो ये रूम आई थिंक इसके आगे रास्ता है कि नहीं भाई, सारे के सारे दरवाजे तो बंद कर दिए लोगों ने। मेरे को सन आई भी मिल चुका है और ये भी एक कॉमन क्वालिटी का मॉन्स्टर है, सो वी वोंट बॉर्डर इट एनी मोर। अब देखते हैं इधर कुछ छुपा है क्या फायरप्लेस के नीचे पीछे। आई डोंट थिंक सो गाइज, अगर कुछ है भी तो मैं तो भाई वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, इतना पतला शरीर नहीं है मेरा भाई। लेकिन कोई मॉन्स्टर तो जरूर जा सकता है ना भाई, जिसका पतला शरीर हो उधर। अबे ठीक है भाई देखते हैं, पहले इस एरिया को तो एक्सप्लोर कर ले बढ़िया से। ओके यहाँ पर कुछ दिख रहा है मेरे को, हैकर बाइट्स दिख रहा है गाइज, लेकिन उस मॉन्स्टर को आई थिंक मैंने ऑलरेडी ले लिया है। यप ये वही मॉन्स्टर है जिसका मेरे को नाम नहीं दिख रहा था। तो गाइज फाइनली पता चल गया इस मॉन्स्टर का नाम है हैकर बाइट्स, लेकिन मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और मॉन्स्टर कहाँ है भाई, हो गया क्या इतने मॉन्स्टर है भाई। नहीं तो अभी तो बहुत सारे मॉन्स्टर है ब्रो, आपने तो आधे भी अनलॉक नहीं किया अभी तक। अरे जानता हूँ ब्रो, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, और है तो है कहाँ आखिर। वेल गाइज लगता है हम लोगों को इस एरिया को दोबारा स्कैन मारना पड़ेगा, हमारी नजरों से कुछ मॉन्स्टर बच के निकल गए हैं दोस्तों। तो भाई मैं तो बोलता हूँ रोबक्स स्पेंड करके ले लो भाई। अब यार रोबक्स के बच्चे, रोबक्स तब फेंकना चाहिए भाई जब और कोई ऑप्शन ना हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है डेफिनेटली गाइज यहाँ पर और ऑप्शंस बचे हुए हैं। आई मीन ऐसा हो ही नहीं सकता भाई कि और कोई मॉन्स्टर ना हो। रुको गाइज मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। ऑलराइट गाइज, तो काफी खोजने के बाद यहाँ पर मेरे को कोई मॉन्स्टर नहीं मिला, तो मैंने रोबक्स स्पेंड कर दिया। और रोबक्स स्पेंड करते के साथ 75 रोबक्स स्पेंड करते के साथ अपने को यहाँ पर एक मॉन्स्टर का लोकेशन बताया जा रहा है। और तो भाई आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, बताओ कहाँ पे है वो मॉन्स्टर। अबे इतनी आसानी से थोड़ी मिलेगा भाई, भाग तो मेरे साथ, काफी आगे है गाइस। लगता है इस मॉन्स्टर को हम लोग भूल चुके हैं। ओ वो देखो गमले के पीछे छुपा हुआ है भाई, मैंने कैसे नहीं देखा इस मॉन्स्टर को गाइस। इतना तो भाई मैं अपन लोग अच्छा काम कर रहे थे, पता नहीं कैसे नहीं मिला। ओके वेनम सीक है ये गाइस, इस पूरे का पूरे गेम में मेरे को यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मेरे 150 रोबक्स ऑलरेडी जा चुके हैं और अभी तक अच्छे खासे मॉन्स्टर आ भी चुके हैं हमारे पास। ये देखो भाई रेयर ब्रीड में तो इतने सारे मॉन्स्टर अनलॉक कर लिए, लेकिन गाइस अभी भी आधे मॉन्स्टर्स भी अनलॉक नहीं किए मेरे को लगता है। अभी टोटल 90 मॉन्स्टर्स है एंड करेंटली हमारे पास 33 मॉन्स्टर्स है। तो डेफिनेटली यहाँ पर यार जो सेकंड पार्ट के लिए काफी कंटेंट बचा हुआ है गाइस, जिसको हम लोग आगे की वीडियो में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहे सारे मॉन्स्टर को अनलॉक करना, तो 2500 रोबक्स पे करने पड़ेंगे, जो कि एक इनसेन अमाउंट ऑफ प्राइस है, लेकिन आपको सारे के सारे मॉन्स्टर्स मिल जाएंगे। बट आई एम क्यूरियस यार, अगर ये मॉन्स्टर इसी मैप के अंदर है तो दिखने तो चाहिए ना भाई, ये कैसी जगहों पे घुसे हुए कि अपन लोग को पता भी नहीं चल पा रही है कहाँ पे। गाइस वी हैव टू सी, लगता है हम लोगों ने बहुत सारी चीजें मिस कर दी है। देखो भाई ये इविल जैक का बच्चा कैसे नहीं आया हमारे हाथ में भाई, मैंने तो लिटरली यहाँ पर आके खोजा था इसको। एनीवेज गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, काफी देर हो चुकी है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फ्रॉस्टी।